सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया 24 समन लाइव टीवी। अवगत कराते हैं खास खबर से। नागरिकता कानून पर विपक्षी दलों पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन की एक बच्ची का नाम लिया। रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान मंजनू गाटीला में जन्मी जिस बच्ची का जिक्र किया था वह सुर्खियों में आ गई है। आपको बता दें, रैली के दौरान बच्ची का नाम सुनकर ही बहुत से लोगों के अंदर ये जिज्ञासा हुई कि आखिर वह बच्ची कौन है। आज की हमारी इस स्टोरी में आपको बताएंगे आखिर वह बच्ची कौन है और उसका नागरिकता संशोधन कानून से क्या रिश्ता है। आपको बता दें, यह बच्ची हिंदू शरणार्थी परिवार की है। यह बच्ची दिल्ली के मंजनू का टीला इलाके में जन्मी है। दरअसल हिंदू शरणार्थी परिवार में जन्मी इस बच्ची का नाम इसकी माँ बाप ने नागरिक संशोधन कानून के संसद में पारित होने की खुशी में नागरिकता रख दिया। कानून बनने के बाद मजनू का टीला इलाके में रहने वाले हिंदू शरणार्थियों ने जमकर खुशी मनाई और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। इन्हें खुशी है कि अब वे भारतीय कहलाएंगे। हिंदू शरणार्थी परिवार में इस बच्ची का जन्म नागरिकता संशोधन कानून बनने के 2 दिन पहले हुआ था। आपको बता दें, परिवार का कहना था कि यह कानून बनने की खुशी में बच्ची का नाम नागरिकता रखा है। खुशी इस बात की है कि उनके जैसे लोगों को अब किसी का जुल्म सहना नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान में सालों तक अत्याचार सहने के बाद 135 हिंदू परिवार किसी तरह भागकर दिल्ली आए थे। वे मजनू का टीला में रह रहे हैं। इनके पास ना तो मकान है और ना ही रोजगार के साधन। पुलिस अधिकारियों के अनुसार 135 से अधिक परिवारों के करीब 800 लोग किसी तरह मेहनत करके जीवन यापन करते हैं। उत्तरी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार मजनू का टीला में यह कैंप 2013 में बना था। शुरू में पाकिस्तान से 40 से ज्यादा परिवार यहां आए थे। इसके बाद पाकिस्तान से यहां लोग आते रहे और बसते चले गए। यहाँ के लोगों का कहना है कि नागरिकता मिलने के बाद अब उनको रोजगार मिल सकेगा। कितना गुस्सा है वो मोदी पे निकालो, कितना गुस्सा है वो मोदी पे निकालो, कितना गुस्सा है वो मोदी पे निकालो। गरीब ऑटो वालों, गरीब बस वालों, मारकर पीटकर आपको क्या मिलेगा? और भाइयों बहनों, जिन पुलिस वालों पर ये लोग पत्थर बरसा रहे हैं, उन्हें जख्मी कर रहे हैं, मैं जरा इन तूफानियों से पूछना चाहता हूं, इनके आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे हैं, पर्दे के पीछे मुंह छिपाकर खेल खेल रहे लोगों से पूछना चाहता हूं कि पुलिस के जवानों को अपनी ड्यूटी करते समय जो हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, उनको मारा जा रहा है, क्या मिलेगा आपको? इस बिल के पास होने के बाद कुछ राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं। वे लोग भ्रमित कर रहे हैं, भावनाओं को भड़का रहे हैं। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम देश से लगाव के कारण जीते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को समर्पित है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक खास खबर के साथ। तो अगले बने रहिए इंडिया 24 समन लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।